हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट। मींस अगर किसी लिफ्ट में वेइंग मशीन रखी है और उसके ऊपर कोई पर्सन है, तो उस लिफ्ट के मोशन का पर्सन के वेइंग मशीन में जो ऑब्जेक्ट जो उसका वेट मेजर हो रहा है उस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वो ज़्यादा मेजर करेगी मशीन या कम मेजर करेगी या उतना ही मेजर करेगी? तो उसके लिए हम फर्स्ट इमेजिन करते हैं कि जो पर्सन है उसके ऊपर उसका एक्चुअल मास है एम, तो उसका वेट हो गया एम जी, और मशीन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो लगा रही है नॉर्मल फोर्स वो है आर। ठीक है, तो फर्स्ट केस लेते हैं व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट। जब लिफ्ट रेस्ट पे होगी तो नेट फोर्स जो होगा वो ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स ज़ीरो होगा। तो नेट फोर्स अगर ज़ीरो है तो उसके इंटरनल फोर्सेस कौन से हैं? एक तो रिएक्शन जो है आर, और माइनस एम जी जो उसका वेट है वो किसके इक्वल हो जाएगा? नेट फोर्स के इक्वल, वो ज़ीरो है। तो इसका मतलब आर और एम जी इक्वल हो जाएंगे। आर एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आर रिप्रेजेंट कर रहा है वेइंग मशीन में जो रीडिंग आएगी उसको, कितना वेट मेजर कर रही है। अगर आर एम जी के इक्वल है तो इसका मतलब वेइंग मशीन एम जी ही मेजर कर रही है। ठीक है, सेकेंड केस लेते हैं व्हेन द लिफ्ट मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड यूनिफॉर्मली। मीन्स उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगी, क्योंकि डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन होती है। एक्सेलरेशन जीरो होगी तो नेट फोर्स जीरो होगा, तो अगेन आर इज इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा। मतलब मशीन उतना ही वे मेजर करेगी जितना उस पर्सन का एक्चुअली है। थर्ड केस लेते हैं, द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन है लेकिन कांस्टेंट है। ठीक है, उस केस में क्या होगा? तो इसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे नेट फोर्स क्या है। लिफ्ट का सिस्टम पूरा, ये जो है इस सिस्टम का मोशन अपवर्ड है, ए एक्सेलरेशन है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? एम ए। ठीक है, नेट फोर्स एम ए हो जाएगा, और वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में। अब जो इंटरनल फोर्सेज होंगे उन सब का सम नेट फोर्स के इक्वल होना चाहिए। इंटरनल फोर्सेस कौन से हैं? आर और एम जी। अब देखो, टोटल मोशन जो है वो अपवर्ड है, तो इसका मतलब जो अपवर्ड वाला फोर्स है वो बड़ा है और डाउनवर्ड वाला छोटा है, इसीलिए टोटल मूवमेंट अपवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर नेट फोर्स की बात करें तो वो होगा आर माइनस एम जी। दो इंटरनल फोर्सेज थे, इनका सम किया, डायरेक्शन अब एम जी की अपोजिट है इसलिए माइनस एम जी, और वो किसके इक्वल होगा? नेट फोर्स के, वो जो कि है एम ए। तो आर माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आई? एम इंटू जी प्लस ए, जो कि एम जी से बड़ा है। इसका मतलब आर की वैल्यू एम जी से बड़ी आ रही है। आर की वैल्यू यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वेइंग मशीन की रीडिंग। ठीक है, तो अगर एम जी से बड़ी है तो उस पर्सन का मास वेट वेइंग मशीन में इस बार ज़्यादा दिखेगा, अगर मोशन ऑफ द लिफ्ट इज़ अपवर्ड। ठीक है, फोर्थ केस है व्हेन द लिफ्ट इज़ मूविंग डाउनवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, इस बार क्या है? टोटल मोशन डाउनवर्ड्स है, तो जो नेट फोर्स होगा वो इस बार भी एम ए होगा लेकिन डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स इसका मतलब जो नीचे वाला फोर्स है वो बड़ा है, जो ऊपर वाला फोर्स है वो छोटा है। तो इस बार हम R माइनस एम जी करने के बजाय एम जी माइनस आर करेंगे और उसको नेट फोर्स के इक्वल रखेंगे एम ए के। तो यहाँ से अगर R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो होगी एम जी माइनस ए, जो कि एम जी से छोटी है क्योंकि जी माइनस ए हो रहा है। इसका मतलब है कि जो वेइंग मशीन में रीडिंग होगी वो एक्चुअल वेट से कम होगी। ठीक है, तो अगर आपकी लिफ्ट, आप लिफ्ट में हो वेइंग मशीन पे और लिफ्ट नीचे की साइड मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन, तो आपका वजन जो होगा वेइंग मशीन में कम मेजर होगा जो एक्चुअल है उससे। अच्छा, फिफ्थ केस है फ्री फॉल। फ्री फॉल मीन्स जब एक्सेलरेशन है लिफ्ट की वो ग्रेविटी के इक्वल हो, ग्रेविटी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल हो। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू जी, और डाउनवर्ड मोशन है इसमें भी, फ्री फॉल में भी। तो हम डाउनवर्ड वाला जो केस आया था आर इज इक्वल्स टू एम इंटू जी माइनस ए, इसमें ए की वैल्यू जी रख देंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू अगर जी पुट करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी जीरो। इसका मतलब वेइंग मशीन में कोई भी वेट मेजर होगा ही नहीं। ठीक है, आर यहाँ पे अगर वैसे तो नॉर्मल है लेकिन हम समझ सकते हैं कि ये मशीन में जितना वेट मेजर हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, सिक्स्थ केस है व्हेन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज ग्रेटर देन जी। मतलब लिफ्ट नीचे की तरफ ही मूव कर रही है लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो जी से बड़ा है, ग्रेविटी से भी ज़्यादा तेज एक्सेलरेशन है और उसके साथ वो डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो उसमें भी डाउनवर्ड मोशन है, तो डाउनवर्ड मोशन के लिए जो आर निकला था, जो इक्वेशन निकली थी, उसी के अंदर ए की वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे क्या आएगा। ए की वैल्यू क्या है? जी से बड़ी है। जी से बड़ी होगी तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। इसका मतलब आर नेगेटिव, आर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे वैसे तो नॉर्मल को लेकिन
वेइंग मशीन में जो रीडिंग आ रही है वो भी आर के इक्वल होनी चाहिए, तो ये नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब क्या होगा कि जो पर्सन मशीन वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा था वो ऊपर उठ जाएगा वेइंग मशीन से और वो सीलिंग को टच करने लगेगा, ठीक है। तो ये है इसका सिक्स्थ केस, द पर्सन विल राइज फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट एंड क्रैश अगेंस्ट द सीलिंग ऑफ द लाइट। थैंक यू।